मिस सिंह, आपको शक है कि आकाश सहगल ने आपके दोस्त को किडनैप किया है? शक? मैं आपसे कह चुकी हूँ कि सोनाली आकाश सहगल के ऑफिस से गायब हुई है। उसके बाद की स्टोरी आप खुद इस रिपोर्ट से पढ़ सकते हैं। आपकी स्टोरी हम पढ़ चुके हैं। आप में उसने जो कुछ लिखा है ना, वो आपका गेस वर्क है। गेस वर्क? आई एम टेलिंग यू कि सोनाली को आकाश, प्लीज जस्ट काम डाउन। इनका कहना सिर्फ इतना है कि हमारे पास इस सब का कोई सबूत नहीं है, और बिना सबूत के इतने बड़े आदमी पर इल्जाम लगाना, इट्स नॉट करेक्ट। सी मीरा, प्लीज अंडरस्टैंड, अगर ये सब सच नहीं हुआ तो आकाश सहगल इस ऑफिस पर ताला लगवा सकता है। ये तुम कह रहे हो अक्षर? मुझे विश्वास नहीं होता है। वहां पर एक लड़की का किडनैप हो गया है और हम सब यहाँ पर बैठ के डिस्कशन कर रहे हैं। मिस सिंह, हमारी शुभकामनाएं आपके दोस्त के साथ है। ईश्वर करे वो जल्दी वापस आए। एंड नाउ द मीटिंग इज ओवर। मतलब आकाश सहगल की पूरी रिपोर्ट तो सुनेगी तो तू पागल हो जाएगी कि कैसे कैसे कारनामे किए इस आदमी ने। कैसी लग रही हूँ? मगर सुनाली, उन लोगों ने तो तुझे किडनैप किया था ना। अरे तो मैंने कब कहा कि मैं किसी हॉलीडे पर गई थी? तू घर जाके ये रिपोर्ट सुन लेना, मैं तुझे बाद में मिलूंगी। ओके बाय बाय। वेरी सॉरी सॉरी। बाय। आप लोगों को सबूत चाहिए था ना, ये रहा सबूत। आप लोग सोनाली को जानते नहीं है ना। अब देखिए मेरी ये स्टोरी क्या गुल खिलाती है। किरण जी, इस फिल्म में हीरोइन का रोल पाने के लिए क्या आपको बहुत संघर्ष करना पड़ा? जी नहीं, एक्चुअली मैं समर जी के ऑफिस गई थी तो उन्होंने थोड़ी देर मुझसे बात की, उसके बाद फिल्म के लिए साइन कर लिया। एक मिनट, पूरी बात मैं बताता हूँ। क्या हुआ कि इनकी सिफारिश मेरे प्रोड्यूसर दोस्त ने मुझसे की। एक्चुअली मैं अपनी इस फिल्म में किसी बड़ी हीरोइन को लेना चाहता था, मगर फिर मैंने सोचा कि एक बार इनसे मिलने में हर्जी क्या है। तो जिस दिन इनके कदम मेरे ऑफिस में पड़े, मैंने इनकी चाल देखी, इनका चेहरा देखा, और मेरे मुंह से बस इतने निकला कि वाह क्या बात है। उस दिन मुझे लगा कि जब राज कपूर साहब ने पहली बार नरगिस जी को देखा होगा तो उनको कैसा लगा होगा। आपका मतलब है कि किरण जी आने वाले वक्त की नरगिस हैं? किरण जी आने वाले वक्त की नरगिस, मधुबाला, मीना कुमारी, सब कुछ है, सब कुछ। मगर इनकी जिंदगी में कोई दूसरा राज कपूर भी है। सर वो दूसरा कौन है? उसका नाम क्या है? अब हुस्न हो जाए बेपर्दा यूं ही तो मजा क्या है? मजा तो तब है जब चिलमन भी जलती रहे और रात भी ढलती रहे, है कि नहीं? उम्र कितनी तुम्हारी? जी 18 साल। गाना सीखने की सही उम्र यही होती है। गीली मिट्टी में पानी डालकर उससे खूबसूरत बर्तन बनाए जा सकते हैं, समझी ना गुरुजी? लेकिन अगर मिट्टी गीली करके छोड़ दो तो किसी काम के नहीं रहते ना, ना मिट्टी ना बर्तन। मैंने तुमसे कहा था ना कि यहाँ कभी मत आना। गुरुजी मैंने आपसे कितनी बारी माफी मांगी, और आपके साथ बदतमीजी करने की मुझे बहुत बड़ी सजा मिली है। मुझे किसी ने किडनैप कर लिया था। देखो तुम्हारी इन झूठी कहानियों के लिए मेरे पास वक्त नहीं है, समझी? देखो प्रेमा बेटा, शिक्षा का पहला अध्याय होता है सम्मान। सम्मान अपनी कला का, सम्मान दूसरे की कला का, सम्मान अपने बड़े जनों का और सम्मान अपने गुरु का। जी तेरा। सोनाली। जी गुरुजी। तुम्हारी ये जिद मेरा निर्णय नहीं बदल सकती। गुरुजी देखिए प्लीज, आप मेरा आखिरी सहारा हैं। प्लीज ओ
बड़ा ही कमीना आदमी है जी, वो अच्छा अच्छा आदमी नहीं, पूरी दुनिया घूमा है हम, ऐसा आदमी नहीं देखा, हमें भी फंसा के यहाँ बिठा के रखा हुआ उसने। ये क्या तुम अभी तक सो नहीं रही हो? तुमने लिखना शुरू नहीं किया? अभी करूंगी। अक्षय ये टेप डायनामाइट है यार, सोनाली ने क्या स्कूप दिया है देखना, अब धमाका हो जाएगा। दिस इज फ्रंट पेज हेडलाइन। मीरा डायनामाइट बहुत डेंजरस होता है। तो मैं डरती हूँ क्या? अब आएगा मजा। मीरा ये क्या कर रहे हो? दिस इज जस्ट अ टेप। भगवान मेरे गुरुजी मुझे वापस ले ले, उनसे कहो कि आके देखे तो सही कि मैंने वो सब सीख लिया जो मुझे सिखाना चाहते थे। बस अब चिल्लाना बाकी है। गुरुजी, गुरुजी आप उल्लू के पट्टे हो। गुरुजी मुझे गाना तो आप ही सिखाओगे। दूसरी बार सुर तुमने जल्दी गिरा दिया लड़की। वो तो मैं अभ्यास कर रही थी गुरुजी, मुझे क्या पता आप ऐसे चुपके से आ जाएंगे। शब्द नहीं, मैं सुर सुन रहा था, तुम्हारी भावनाओं को समझ रहा था और साथ ही साथ तुम्हारे योगासन को भी देख रहा था। मतलब आप तो और भी नाराज हो गए होंगे ना? देखो सुनारी, मैंने तुम्हें एक सबक सिखाया था जो तुमने अच्छी तरह से सीख लिया। पहले तुम हंसती थी लेकिन मन ही मन में, रोती थी मगर डर डर कर। अब तुम्हारे मन की सारी गांठें खुल चुकी हैं बेटा। सच्ची हंसी और सच्चे आंसुओं से ही कला शुद्ध होती है। मतलब आप मुझे सिखाएंगे? अगर तुम्हें यह विश्वास हो गया हो कि मैं जो कुछ भी करता हूं तुम्हारे लिए और तुम्हारी कला को निखारने के लिए करता हूं। हाँ हाँ विश्वास है, आज शाम से आ जाओ। नहीं नहीं आज से नहीं, पहले प्रेमा पूरी तरह से सीख ले उसके बाद। तो फिर मेरी बारी कब आएगी? उसके लिए तुम्हें थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। प्रेमा की बच्ची। अच्छा सुनो, मुझे चाय नहीं पिलाओगी? हाँ। चलो चलो ना। किरण, कल रात मैंने पहले शेड्यूल के रशेस देखे। कैसे हैं? मैं क्या बताऊं, कुछ दिनों बाद पूरी दुनिया कहेगी किरण द स्टार सुपरस्टार। मुझे तो अभी भी विश्वास नहीं होता कि मुझे एक्टिंग आती है। रॉन्ग। अच्छा एक्टर कभी एक्टिंग नहीं करता, किरदार को जीता है, जो तुम कर रही हो। मैंने फैसला किया है कि नेक्स्ट शेड्यूल स्विट्जरलैंड में करूंगा। स्विट्जरलैंड? क्यों पसंद नहीं है? अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया? नहीं मेरा मतलब था कि शेखर भी साथ चलेगा ना? हाँ चलेगा चलेगा, मुझे मालूम है तुम उसके बिना कहीं नहीं आओगी। थैंक्स समर। इब्तिदा इश्क है होता है क्या? आगे आगे देखिए होता है क्या, पूरी लाइन है। गुड मैम। आगे आगे देखिए होता है क्या। अभी मेरे को लाइंस करने दीजिए आप प्लीज। चाय पिलाओ यार। अनुशोगा दो चम्मच। इतना मीठा पियोगी तो और मीठी हो जाओगी। शायद मीठी कॉफी पीने से मुंह की कड़वाहट दूर हो जाए। परेशान दिखती हो, मैं समझ सकता हूं।
अनु पिछले दिनों इतना कुछ हुआ है, पर मैं तो समझता हूँ कि जो कुछ भी हुआ है अच्छा हुआ है। देखो ना, तुम काम पे आ गई हो और हम दोनों साथ हैं। साथ? इसी साथ पर तो शक होता है मुझे। जो कुछ मुझे कल पता चला है, अगर पहले पता होता तो शायद मैं आज यहां नहीं होती। अनु, जो कुछ तुम्हें कल पता चला है वो कल की बात है, कल जो गुजर गया है। अब देखो, आज हमारे सामने है, आने वाला कल हमारा इंतजार कर रहा है। तुम्हारे इसी गुजरे कल ने तो सब कुछ बदल दिया रवि। कुछ नहीं बदला अनु, मैंने तो तुम्हें सिर्फ इसलिए बताया क्योंकि मैं चाहता था कि हमारी ये नई शुरुआत एक सच्ची और साफ बातों से शुरू हो, ताकि बाद में। रवि, कुछ सच नहीं लग रहा, कुछ साफ नहीं लग रहा। आई थिंक आई शुड गो। सांगवी अकाउंट की फाइल्स, जो कुछ तुमने मांगा मैंने वो सब तुम्हें दे दिया, और कुछ भी चाहिए हो तो बता दो। माया, क्या हम हमेशा ऐसे रहेंगे, एक दूसरे के दुश्मन? मैं मौका देख के बदलने में विश्वास नहीं रखती हूँ। और रवि, सुमित्रा का फोन आया था, उसने मुझे शाम को घर पे बुलाया, तो ऑफिस के बाद मैं तुम्हारे साथ निकलूंगी। एक मिनट, तुम अकेली चली जाना, ऑफिस के बाद मुझे कुछ काम है। ओ, किसी का खराब मूड ठीक करने के लिए डेट पर ले जा रहे हो शायद? माया, आप तुम ये सब बंद करोगी? हेलो, हाय, मैं सुमित्रा शाह। सुमित्रा? अनु, मैंने तुम्हारी तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाया, मैंने सोचा क्यों ना हम एक बार दोस्तों की तरह मिल लें, बातें कर लें। कल मेरे साथ लंच पर चलोगे? ओके ओके, देन सी यू टुमारो एट रेन रेस्टोरेंट जूहू, 1 o'clock। हेलो सुमित्रा का फोन तुम्हारे सेल पर? मेरे सेल पर मेरे लिए। सुमित्रा और मैं दोस्त बन गए। आई सी, मैं देख रही हूँ आजकल तुम काफी दोस्ती कर रही हो। और हाँ रवि, ये सब बंद नहीं होने वाला, और इसकी वजह भी तुम जानते हो। हेलो रविशा। हाँ सुमित्रा, बोलो। नहीं, बस तुम्हारी आवाज सुनने के लिए फोन कर लिया था। सुमित्रा, मैं मीटिंग में हूँ। अनु तुम्हारे सामने है, तुम्हारे पास बैठी है। ये ऑफिस है, और हाँ अनु मेरे सामने है और हम मीटिंग में हैं। एक मिनट, तुम जा रही हो? हाँ सुमित्रा, बोलो। मीटिंग खत्म हो गई? हाँ खत्म हो गई। नहीं बस ठीक है, अपना काम करो। I don't want to disturb you, bye. मैडम, ये शॉट ले रहे हैं, यहां से यहां से। बहुत खूबसूरत है ना? तुम्हें शर्म नहीं आती? एक लड़की के आगे पीछे कुत्ते की तरह तुम हिलाते फिरते हो, हाँ? उसे अच्छा लगता है इसलिए। अरे मुझे अच्छा नहीं लगता ना, उसका क्या? जले हुए जख्म, मगर जो तुम भर गए, निशान बाकी है। क्या कहा था मैंने तुमसे? क्या कहा था? किरण मेरी है,
तुम उसे अपनी जिंदगी से दूर कर लोगे। किया तुमने? समर साहब, हम एक दूसरे से 3 साल से प्यार करते हैं, थोड़ा वक्त तो लगता ही है। इसलिए हर मिलने वाले से उसका सौदा करते हो? क्योंकि इसी से मेरा खर्चा पानी चलता है। मैं जिंदगी भर का खर्चा पानी दूंगा तुम्हें, मगर हराम का नहीं। कुछ करोगे? क्या करना होगा मुझे? किरण के मन में अपने लिए नफरत पैदा करनी होगी। शेखर, अरे तुम तो अचानक ही आ गई। मैं तो आ गई, आपको अचानक लग रहा है। शेखर, ये बाल इसमें अटक गया है, नेकलेस में जरा खोल देना। थैंक्स अमर, आप लोग स्विट्जरलैंड जाने की बात कर रहे थे ना, मुझे मालूम था। समझे मैंने क्या बोला? ऑफिस आना कल। तुम्हें क्या लगता है कि मुझे सुमित्रा के साथ लंच पर जाना चाहिए या नहीं? हाँ, कुछ बोलो भी। रवि की क्या राय है? हाँ, मैंने उसे कुछ नहीं बताया। क्यों? पता नहीं, जितना ही संभलने की कोशिश करती हूँ ना, उतना ही लड़खड़ाती हूँ। मेरी जिंदगी जैसे 3 पॉइंट्स के बीच में अटकी हुई है, रवि, सुमित्रा और माया। तीनों ही दूर, तीनों ही अलग, फिर भी इतने जुड़े हुए। मुझे नहीं लगता मैं ये सब ज्यादा देर तक सह पाऊंगी। अच्छा अनु, तुम रवि की हेल्प क्यों नहीं लेती हो? मुझे लगता है कि उसकी सपोर्ट से ना तुम ये सब अपने आप में ठीक हो जाएगा। आई नो, रवि से जितना हो सकता है वो सब कुछ करता है। मेरा गुस्सा, प्यार, हंसी, आंसू, सब कुछ मुस्कुरा कर एक्सेप्ट कर लेता है। लेकिन मेरी प्रॉब्लम रवि नहीं है, कुछ और है। सुमित्रा, सुमित्रा और रवि की शादी तो कब की खत्म हो गई थी। मेरा आना तो सिर्फ एक बहाना था। रवि सुमित्रा को छोड़ने वाला था, मेरी वजह से नहीं और मेरे लिए भी नहीं। मैंने किसी का घर नहीं तोड़ा, असल में वो घर बसा ही नहीं था। और तुम्हारे मम्मी पापा? मम्मी पापा तो मेरी जिंदगी है किरण, मैं उन्हें सब कुछ बताना चाहती हूँ, लेकिन मैं उन्हें दुख नहीं देना चाहती। तो क्यों परेशान हो रही है अनु? तू कुछ गलत नहीं कर रही है। रवि और सुमित्रा की शादी के टूटने की वजह तू नहीं है। अगर रिश्ता पक्का हो तो कोई तीसरा उसे नहीं तोड़ सकता। मेरे मम्मी पापा के शादी के टूटने की वजह कोई तीसरा नहीं, वो दोनों खुद थे। लेकिन तू, मेरे को लग रहा है कि तू ये सबको ना कुछ ज़्यादा सीरियसली ले रही है। रवि, सुमित्रा, माया, मतलब इनके दुख सुख की जिम्मेदारी इनकी खुद की भी तो है ना, है कि नहीं? बात तो सोनाली ने कही है, मगर है सच। Yeah, I know what you mean. And I think you're right. अच्छा ठीक है, अब ये सीरियस टॉपिक बंद करते हैं, कुछ मस्ती की बात सुनाई जाए, कुछ पम्मी और शम्मी भैया की, हैं? सोनाली, अक्षय ने मेरी टेप जला दी। क्या? हाँ यार, पता नहीं अचानक उस पर क्या दौरा पड़ गया। उसकी तो मैं उसे छोड़ने वाली नहीं हूँ। उसे छिपा फिर रहा है, पर कब तक छिपेगा? मेरा तुझे पता है मैंने क्या क्या चक्कर चलाए थे उसके लिए, अब क्या होगा? तो तुम वहां 2 दिन तक बहुत घबराई हुई थी। अरे पहले 2 घंटे तो मुझे लग रहा था कि वो उल्लू के पट्टे मेरे को जान से ही मार देंगे। मुझे बहुत डर लग रहा था सच में। और जिस कमरे में मैं थी ना, वहां पे बहुत अंधेरा था और मुझे लगता था जैसे वहां पे कोई है। ये लाइट तो चली गई। अरे लगता है वहां कोई है। कौन हो सकता है? सॉरी, मुझे लगा। मैं किचन में जाके कैंडल ढूंढती हूँ, यहाँ बैठे रहने से कुछ नहीं होगा। नहीं 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 अनु, प्लीज मत जाओ, वहाँ पे कोई हुआ तो फिर ऐसे कैसे चलेगा?
ये कैसी आवाज है? क्या हो रहा है? मुझे पाउडर है। ओह माय गॉड, इधर देखो, ये क्या है? ये यहाँ कैसे आई? दरवाजा किसने खोला? कोई ऐसा क्यों करेगा? क्या है?